बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर ऑलराइट। वेल डन, अल्लाह ब्लेस यू ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन नंबर 40, यूनिट नंबर 7। इट्स अबाउट सुल्तान अहमद मस्जिद। यू नो वेरी वेल अबाउट सुल्तान अहमद मस्जिद, सिचुएटेड इन इस्तांबुल टर्की। क्लियर? इट इज आल्सो कॉल्ड विच मॉस्क? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ दिस मस्जिद? यस, ब्लू मॉस्क, ब्लू मस्जिद एट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी चैप्टर, एनी पैराग्राफ, मस्ट फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को लाजमन अपने जहन में रखना है, ठीक है? पॉइंट्स आप जानते हैं कि कैसे टाइटल को समझना है, कैसे पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करके उसको आसान बनाना है, फिर दोबारा पढ़ना है और उसके अंदर एक जिस्ट निकाल लेना है और उसके मेन पॉइंट्स को अपने पेपर पे उतार देना है। क्लियर? लुक एट दिस ब्लू मॉस्क, क्या हसीन नजारा है नीली मस्जिद का। क्लियर? नीली मस्जिद से इसकी ब्लू टाइल्स की वजह से कहा जाता है। क्लियर? नाउ लेट्स फोकस ऑन पैराग्राफ नंबर 5। द मस्जिद हैज अ स्पेशियस फोरकोर्ट सराउंडेड बाय अ कंटीन्यूअस वॉल्टेड आर्केड। मस्जिद का एक कुशादा, स्पेशियस कुशादा फोरकोर्ट सेहन है। मस्जिद का एक कुशादा सेहन है सराउंडेड बाय, जिसके इर्द गिर्द हैं कंटीन्यूअस मुसलसल वॉल्टेड मेहराबी आर्केड बारादरिया, मेहराबी बारादरिया हैं। इट हैज एब्लूशन फैसिलिटीज, इसमें वजू की सहूलतें भी हैं ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में वजू की सहूलतें हैं। इन द सेंटर, बिल्कुल दरमियान में, देयर इज अ फाउंटेन, एक फव्वारा भी है, विच इज रादर स्मॉल, जो कि छोटा है इन कंट्रास्ट मुकाबले में विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। सेहन के वसत के मुकाबले में वो छोटा है, यानी जितना सेहन वसी है उसके मुनिसबत वो फव्वारा जो है वो छोटा है। अ हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, एक भारी लोहे की जंजीर इज हंग लटकी हुई है एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, सेहन के ऊपर वाले हिस्से में, एंट्रेंस दाखिले के ऊपर वाली तरफ। एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी समत में, सेहन के ऊपर वाली साइड पे एक भारी लोहे की जंजीर लटका दी गई है, और उसका मकसद क्या लटकाने का? दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, ये साइड जो है, ये तरफ जो है, ये समत जो है, वॉज मेंट मखसूस है फॉर द सुल्तान अलोन, सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस है कि उस साइड से सिर्फ सुल्तान ही अंदर दाखिल होता है, यानी बादशाह। The chain was put there, जो जंजीर वहां पे लगाई गई है, so that ताकि सुल्तान had to lower his head, कि सुल्तान अपने सर को नीचे करे, कि जब भी वो उधर से गुजरने लगे अपने सर को झुकाए, every time, हर दफा। He entered, जब वो दाखिल हो the court सेहन में, it was a symbolic gesture, ये एक इलामती इशारा है, to ensure यकीन दहानी का, the humility, इनकसारी, आजजी का, ऑफ द रूलर, हुक्मरान के, हुक्मरान आजिज और इनकसार हो जाए इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, इन द फेस ऑफ डिवाइन पावर, उस इल्हामी ताकत के सामने वो अपने आप को झुका दे। तो हुक्मरान की आजजी और इनकसारी के लिए वहां पे एक भारी भरकम लोहे की जंजीर लटका दी गई कि जब भी वो उस तरफ से दाखिल होगा अपने सर को झुका के दाखिल होगा। इज इट क्लियर? लेट्स सी द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद। मस्जिद का अंदरूनी खाना, अंदर का हिस्सा, एट द लोअर लेवल, निचले सतह पे, इज लाइन, खत कशीद किया गया या खींची गई है लाइने विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सेरामिक टाइल, 20,000 से जायद हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलों से, इज मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिजाइन, जिस पर 50 से जायद गुले लाला के फूलों के डिजाइन हैं, उससे उसके निचले हिस्से को सजाया गया, लाइन किया गया, लगाया गया वहां पे। एट द गैलरी लेवल, ऊपर छज्जे के लेवल पे, छज्जे में, द डिजाइन बिकम्स फ्लैम्बोयंट, उसमें डिजाइन जो बड़ा भड़कीला है, चमकीला, भड़कीला है, फ्लैम्बोयंट, विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, जिसपे फूलों की, फ्रूट, फलों की, एंड साइप्रसेस और सनोबर के दरख्तों की सजावट की गई है, उसको अया किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, पेश किया गया है। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी खाना का जो बलाई हिस्सा है, इज अडॉर्न्ड, सजाया गया है विद ब्लू पेंट, नीले पेंट के साथ सजाया गया, रंग के साथ सजाया गया। मोर देन 200 स्टेन ग्लास, 200 से जायद स्टेन ग्लास धारीदार शीशे वाली विंडोज हैं विद इंट्रिकेट डिजाइन, जिसके दिलकश डिजाइन है, इंट्रिकेट पचीदा को भी कहते हैं।
अलाउ नेचुरल लाइट जो कि कुदरती रोशनी को इजाजत देते हैं टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर, तो उसके अंदरूने खाना को और ज्यादा चमका दे, कि जब उन शीशों वाली खिड़कियों से रोशनी कुदरती सूरज की रोशनी अंदर आती है तो उसके अंदरूने खाना को और ज्यादा रोशन कर देती है। एंड शैंडलियर्स और जो फानूस लगे हुए वहां पे फर्दर मजीद इल्यूमिनेट मुनव्वर कर देते हैं इट इसे विद देयर ग्लो अपनी रोशनी के साथ। तो अंदर जो शैंडलियर्स बड़े बड़े फानूस लगे हैं वो अपनी रोशनी से इसको मजीद अंदरूने खाना को मजीद मुनव्वर कर देते हैं। द डेकोरेशन इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान, इन सजावटों में शामिल हैं आयात फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक की आयतें भी। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट, फर्श जो है वो कारपेट से कालीनों से ढांपे गए हैं, यानी अंदर के जो फर्श उन पे कीमती कालीन बिछे हुए हैं। इज इट क्लियर? ट्राई अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, कंसल्ट फ्रॉम द डिक्शनरी एंड देन रीड इट अगेन, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। Look at this activity translated into Urdu. It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine power. The interior of the masjid at lower level is lined with more than 220,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. The upper level of the interior is adorned with blue paint, more than 200 stained glass windows with intricate design on them. Clear? So translate into Urdu. Look at the second activity. What was the purpose of hanging the heavy chain at the entrance of the court? Sehen ke दाखिली हिस्से पर जो भारी भरकम लोहे की जंजीर लटका दी गई है उसके लटकाने का मकसद क्या है, और वो हिस्सा खास सुल्तान के लिए मखसूस है। इज इट क्लियर? सो आसान उर्दू में आंसर बने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें। हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, मस्जिद का अंदरूनी खाना किस तरह का लगता है? अंदरूनी खाना में आपने देखा था कि सेरेमिक टाइल्स भी डिजाइनिंग की गई है, और फिर ट्यूलिप डिजाइनिंग की गई है, और फिर मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स और फ्लावर्स से भी डिजाइनिंग की गई है, तो इससे और फिर उन स्टेन्ड ग्लास विंडोज से जब रोशनी अंदर आती है और शैंडलियर्स उसको मजीद चमकाते हैं तो कैसा लगता होगा, वो कैसा व्यू होता होगा। हाउ मेनी सेरेमिक टाइल्स वर देयर, कितनी सेरेमिक टाइल्स से वो लाइन की गई है वहां पे, खतकशी की गई है, लगाई गई है। क्लियर? सो लुक एट दीज एक्टिविटीज एंड आंसर दीज एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ दोज विद दैट मटीरियल विच यू फाउंड फ्रॉम दोज पैराग्राफ, और पैराग्राफ को जो भी अटेंशन से सुनेगा पढ़ेगा उसमें से मेन पॉइंट्स निकालेगा वो आसानी से इन एक्टिविटीज को सॉल्व कर लेगा। विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।